फारूक की गली आवाज उठाओ जमीन पर रख कर ये मत सबको नंगा होने दो, मत सबको नंगा होने दो, मत जमीन को नंगा होने दे। खड़े खड़े जाएंगे बाहर रहीम। आज पुलिस कमांड इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आज 16वां दिन है जब से शहबाज गिल साहब को गैर कानूनी तौर पे उठाया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद में इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया तो 12 अगस्त को जब वो यहाँ पे पेश हुए तो हम उस दिन से ये चीख चीख के पुकार पुकार के आपके सामने भी आपके ज़रिए से आपके तवसल से पूरे पाकिस्तान को बता रहे थे कि उन पर टॉर्चर हुआ है, उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया, नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया। और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनके उन्होंने जब अपने मार्क सिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशियल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होते, उन्होंने उनको जेल में, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी जोर आजमाई के बावजूद जेल के डॉक्टर ने दो के उन्होंने वहाँ पे जो टॉर्चर के निशानात थे वो जेल के रिकॉर्ड पे लाए। हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि टॉर्चर हुआ, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा, आवाम ने भी देखा, जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी देखा। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक झूठी सच्ची इंक्वायरी की और उन्होंने कहा जी टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने ये जेल का रिकॉर्ड क्योंकि आया तो उन्होंने इंक्वायरी की। लेकिन मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यह मायूसी ज़रूर हुई क्योंकि हाईकोर्ट जो हैं वो आइन के तहत इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की मुहाफिज़ होती हैं, आइन में दिए गए हकूक़ हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमनिटी है। आप किसी को टॉर्चर करके अपनी मर्जी के बयान नहीं ले सकते जो कि इस केस में हुआ, लेकिन फिर भी 2 दिन का जो रिमांड वो एक्सटेंड हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद पहले वाले भी और आज मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जुडिशरी का नाम नहीं लेना चाहिए, उनका उन्होंने जो करेज मस्टर किया, जो जुरत का मुजाहरा किया है, मैं सुपीरियर कोर्ट्स के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उसी करेज का मुजाहरा करें और जब इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक का मसला है तो उसके ऊपर वो खड़े हों। आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशियल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल के कस्टडी में दे दिया है। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं, अभी ही हम फौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज़ किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है, वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ जगहों से उठा के FIR दर्ज किया गया है। FIR के जो कॉन्टेंट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि ट्रांसक्रिप्ट में बयान किए गए हैं। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पूरा पढ़ने से बयान का मतलब और मकसद ही बदल जाता है। उसमें शहदा की तारीफ की गई है, हाँ जो हुकूमत इस वक्त वफाक की हुकूमत है उनके लीडरान के जो प्रीवियस बयान हैं उनको लेकर के उन पर तनकीद ज़रूर की गई है और वो तनकीद जो है उसको इन्होंने बुनियाद बना के और एक मैं समझता हूँ कि मन घड़ा सा पर्चा है उसको भी इंशाल्लाह हम उसकी उसकी जो मैरिट्स हैं उस पर करेंगे और उसकी क्वाशमेंट पे भी हम अब बैठ के गौर करेंगे। मैं यहाँ पे ILF की टीम, मेरी अपने जो दोस्त अहबाब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तमाम आवाम का जिन्होंने शहबाज साहब के लिए अब दुआएँ की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पर ज़रूर आज कहना चाहता हूँ कि ये शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं है, कस्टोडियल टॉर्चर का जो ये बीमारी है या जो लानत है
ये पूरे एक मुआशरे की बीमारी है। इससे पहले भी हमारे सहाफ़ी, हमारे वकला, हमारे आम लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब मैं ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ। ऑन दिस फ्रेम के जब कस्टोडियल टॉर्चर की बात आ जाती है तो फिर बाकी मामला पीछे चले जाते हैं। हमें मिनहसुल माशरा, मिनहसुल सोसाइटी और मिनहसुल कौम कस्टोडियल टॉर्चर को डिस्करेज करना चाहिए और इसके लिए अपना खड़े होकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो माजी की गलतियाँ हुई, लोग नहीं खड़े हुए तो ये मामला आज आए, लेकिन अगर माजी में कोई नहीं खड़ा हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि आज ना खड़ा हुआ जाए। मेरा ख्याल में अब हमें सिविल सोसाइटी को, वकला को, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो टॉर्चर के ऊपर, जो कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको फौरन तौर पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है उसको मंजूर कराए, ताकि आम लोग, देखिए आम लोग जो इस मेहमाना तशद्दुद का रोज़ निशाना बनते हैं, ये रोका जा सके। जो लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, ये गैर महज़ब है, ये हैवानियत है। और महज़ब माशरों और सिविलाइज माशरों में और हैवानी माशरों में फ़र्क ये होता है इंसानी कदरों का। तो मैं आज बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम लॉयर्स का जिन्होंने यहाँ पे आए वक्तन फ़वक्तन, और मीडिया का ख़ास तौर जिस तरह से आप लोगों ने इस खसूसी तौर पे जो टॉर्चर का मामला है, उसकी ह्यूमन राइट्स का मामला है, जिस तरह से आपने और यूट्यूबर्स ने लोगों तक पहुँचाया, मैं बहुत मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इसकी इंक्वायरी भी पूरी कराएंगे। हम यारा ये भी मुतालबा है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो है ये कमीशन बनाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बनाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक एट लार्ज के फंडामेंटल राइट्स का मामला है। और हमें उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं इंटरनेशनल कोविनेंट्स, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उनकी अमल दरामद और पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए भरपूर रोल अदा करेंगे। कोई सवाल है तो सर मैं हाजिर हूँ। चले मैं ऊपर नहीं जाता, ये आप प्रॉमिस कर भाई, मुझे वहाँ तक जाना है। सर मीडिया उस तरफ आ जाए, इतना शौक नहीं करता अभी तो ऑफिस में जाने दे यार। शेख साहब आपको क्या अपने आप याद आ रहा है जब आपके साथ नए एसआईपी की गई, आपको सर अपना वक्त याद आ रहा है जब आपके साथ नए एसआईपी की गई थी? कोई बात नहीं है यार, मैं तैयार हूँ हर किस्म के हालात। ये वो कभी गुजर, ये मजबूर है बेचारे, मेरी जमानत हो गई केस में और 4 तारीख है, मुझे पुलिस से कोई चार्ज नहीं। मेरी तो 7वें से 8वें केस में भी जमानत हो गई है, लेकिन हुकूमत जो होती है और जो बाइडन ने ट्रंप पे वही केसेस किए हैं जो मौजूदा चोर इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान और शहबाज गिल पे किया, और मैं ये समझता हूँ कि तशद्दुद से कुछ नहीं बनता। अयूब खान, याह्या खान, सब इकतदार जो है हर दौर में जो है अहले वफा पे तशद्दुद होता है, जो असली और नस्ली है और जिसको अपने खून पे फख्र है और अपने पिंडी पे फख्र है वो सच के साथ खड़ा है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस 15 दिनों में शहबाज गिल की वजह से जितनी हुकूमत बदनाम हुई है वो 4 महीनों में नहीं हुई। हर जगह बिजली का बिल जल रहा है, लोगों के पास किराए के पैसे नहीं है, हत्ता कि मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है शहबाज शरीफ। और ये याद रखना कि आप तो अपनी कब्रें बनाते हैं लॉनों में और स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइटों में आते हैं,
आपकी डेड बॉडियां भी चार्ट पर सारे लगे हुए हैं। इधर आ जाओ। ओके इंशाल्लाह ताला अल्लाह फतह देगा। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया जिस तरह अदम एतमाद उनके खिलाफ गया और इमरान खान को सारी कौम ने भरपूर एतमाद दिया, मैं कहता हूँ ये गिरफ्तार करके देख लें। अभी तो स्टेट गेस्ट हाउस के जरिए जहाज़ों पे जाते हैं, फिर ये जो इनका इनक्लेव है मिनिस्टर इनक्लेव वो भी अल्लाह ही जाएगा, और ये मजलूम पुलिस बेचारी जो वैसे ही खड़ी कर देते हैं, और इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी सियासी बेवकूफ़ी होगी।